हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों आज कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, आज से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोग को। ये लुक क्या है, स्टेयर क्या है, ग्लेयर क्या है, बिहोल्ड क्या है, सी क्या है, ये सबको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते। सबसे पहले आप लोग के सामने सी। सी मतलब क्या होता है? देखना। सी मीन्स क्या होता है जी? देखना। बस ऐसे ही कॉमनली जो किसी को कोई देख लेता है ना, बस ध्यान नहीं देना, बस सिंपली कॉमन सा देखना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी। तो सी मीन्स क्या बोले? देखना। बस नेक्स्ट आप लोग का है लुक। लुक मतलब दिखाना होता है, देखना है नहीं है, लुक एट मी, मुझको देखो, है ना। लुक एट द बोर्ड, तो दिखाना। लुक मतलब दिखाना, लुक बोले तो दिखाना, याद रहेगा ना, लुक बोले तो दिखाना, एंड सी देखना। ओके जी, आइए नेक्स्ट आप लोगों के सामने वॉच। वॉच करना मतलब निगरानी से देखना, वॉच करना मतलब आपका सेंस ऑर्गन पूरा उस पे एक्टिव हो, मतलब हाँ आंख कान नाक पूरा एक्टिव हो, वॉच करना, क्लियर ना। आपका माइंड पूरा कंसंट्रेट हो, उसके सिवा कहीं और कुछ नहीं ध्यान आ रहा हो, उसी को कहते वॉच। वॉच जैसे हम लोग टीवी को वॉच करते हैं, मूवी वगैरह आप वॉच करते होंगे, देखोगे एक्शन मूवी आप कभी हाथ पर थिरकते रहता है, उसी को क्या कहते हैं? वॉच। वॉच, वॉच करना मतलब खो जाना, खो जाना, है ना, निगरानी करना, वॉच कर। अगर आप देखते होंगे कोई आपका पड़ोसी जिसको आप जानते होंगे, है ना, अब उसको आप वॉच करते, अच्छा इतना बचा, इतना गया कहाँ, कैसे गया, है ना। तो ये वॉच हुआ, वॉच करना, निगरानी करना। ओके जी, नेक्स्ट है ग्लेयर। ग्लेयर मतलब लालच भरी निगाहों से देखना, ग्लेयर, यस यस, ग्लेयर मतलब लालच भरी आंखों से देखना, लालच भरी निगाहों से देखना, ग्लेयर है तो देखना, बट कैसी, लालच भरी निगाहों से, यस। तो लालच भरी निगाहों से देखना मतलब ग्लेयर, ग्लेयर लालच भरी निगाहों से देखना। नेक्स्ट स्टेयर मतलब घूरना, किसी को स्टेयर करना बुरी बात है ना, स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर घूरना, याद रहेगा, स्टेयर करना मतलब घूरना, स्टेयर। वहीं पे बात है आई। आई मतलब सिंपली देखना होता है, आई मतलब क्या होता है? सिंपली देखना। आई मतलब क्या होता है? सिंपली देखना। एंड नेक्स्ट आप लोग का क्या है? बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब होता है प्यार भरी निगाहों से देखना, बिहोल्ड, जैसे माँ अपने बच्चे को बिहोल्ड करती है, माँ अपने बच्चे को क्या करती है जी? बिहोल्ड करती है, तो प्यार भरी निगाहों से देखना, बिहोल्ड करना मतलब प्यार भरी निगाहों से देखना। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? गेज। गेज मतलब घूरना, देखिए स्टेयर और गेज दोनों का मतलब घूरना होता है, स्टेयर मीन्स भी घूरना, घूरते नहीं किसी को, है ना, वही गेज मतलब ही घूरना, है नहीं, जैसे आंख निकाल लेंगे कोई, अगर घूरे तो कोई आंख निकाल लेंगे। गेल एक क्या है? ग्लांस, एट अ ग्लांस, सुना हुआ वर्ड है, अपने एक पोएम पढ़े थे बचपन में, उस एट अ ग्लांस, एट अ ग्लांस मतलब झलक, एक झलक, एक झलक में देखना, एट अ ग्लांस, बस यूं एक झलक देखे थे, एट अ ग्लांस नहीं, ग्लांस मतलब झलक, ग्लांस मतलब झलक होता है, ग्लांस मतलब क्या होता है? झलक होता है ना। एक होता है परस्यू, परस्यू मतलब ध्यान से देखना, चलिए इसको हम लोग इससे कर सकते हैं, बट परस्यू इसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बात हो, पढ़ना, ध्यान से पढ़ने, ध्यान से देखना, इसको कहते हैं परयूज, 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 नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग क्या है? परयूज। परयूज का मतलब ध्यान से देखना, यस यस, पढ़ाई लिखाई अगर ध्यान से पढ़ना, पढ़ाई करना मतलब ध्यान से पढ़ना, परयूज, 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 ध्यान से पढ़ना, परयूज, ध्यान से पढ़ना, आप लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे ना, और ध्यान से अपना जितना दोस्त उन सबके भी शेयर कर दीजिए, पूरे इंडिया में पूरे गाँव गाँव का बच्चा को इंग्लिश आना चाहिए, मैं यहाँ से आपको ऐसे मस्त मस्त कंटेंट दूंगा, और आपका काम है अपना जितना भी रिलेटिव, जितना भी पड़ोसी सबको सेंड कीजिए, सब समझदार होंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।